हेलो बच्चों, लेट अस सी दिस क्वेश्चन। ए सॉलिड स्फीयर ऑफ डेंसिटी नीटा टाइम्स ग्रेटर देन दी नीटा टाइम्स लाइटर देन दी वाटर इज सस्पेंडेड इन वाटर टैंक बाय ए स्ट्रिंग टाइड टू इट्स बेस एज शोन इन फिगर। इफ द मास ऑफ द स्फीयर इज एम देन टेंशन इन द स्ट्रिंग इज गिवन बाय। ये अपने को डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम से अपने को क्या कैलकुलेट करना है, इस कोड में अपने को टेंशन बतानी है। यहाँ पे इस कोड में कितना टेंशन आएगा वो अपने को बताना है। लाइक दिस, इसमें मान लीजिए कुछ टेंशन आया टी, तो टेंशन है टी। इस ब्लॉक का मास आपको दे रखा है एम, एम इज गिवन। तो अपने को बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे इस टेंशन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले अपन इवन की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, है ना। इसका की कॉन्सेप्ट अपना क्या बनेगा वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अपन सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ जो स्पीयर का डेंसिटी है वो क्या कह रहा है, नीटा टाइम्स लाइटर देन दी। तो अपन यहाँ जो स्पीयर है उसका डेंसिटी अपन ले लेते हैं कुछ। और बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पहले ये कंसेप्ट समझा जाए कि ये वाली बॉडी जब इसके अंदर है तो इस कोड के अंदर टेंशन है। नीचे की तरफ इसका वेट आ रहा है, नीचे की तरफ क्या आ रहा है, वेट आ रहा है। बॉडी की डेंसिटी को अपन एक्चुअल में क्या अज्यूम कर लेते हैं, बॉडी का जो डेंसिटी है उसको अपन रो कह देते हैं, ठीक है। बॉडी की डेंसिटी को अपन रो कह देते हैं, या अपन ऐसा करते हैं। हाँ जी, देखिए यहाँ पर ये जो बॉडी है उसका डेंसिटी अपन ने रो मान लिया है, और ये जो लिक्विड है इसका डेंसिटी अपन कह देते हैं सिग्मा है। तो अपन को क्वेश्चन में जो लाइन दिया हुआ है वो ये कह रहा है कि जो ये लिक्विड है इसका जो डेंसिटी है वो ज्यादा है कितना, नीटा टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ द ये वाला है, ठीक है जी। इससे अपन ने लिक्विड का डेंसिटी अपन ने निकाल लिया, ठीक है, वाटर का डेंसिटी अपन ने यहाँ पे निकाल लिया। अब अपन क्या चाहते हैं कि अगर इनका बैलेंसिंग इक्वेशन देखा जाए, तो अगर बैलेंसिंग इक्वेशन देखें तो कोड में टेंशन आएगा और एम जी आएगा और एक फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन आएगा जिसको आप बायोन फोर्स कहने वाले हैं। क्या कहने वाले हैं, अब एक्चुअल में अगर देखा जाए तो आप ये बोलेंगे कि टी प्लस एम जी इज इक्वल्स टू बायोन फोर्स, इक्वल टू बायोन फोर्स। अब इस एम जी का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, इस एम जी का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। एम जी को आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप रिप्लेस करना चाहें तो बेसिक देखा जाए तो अपना जो आंसर है वो इसी टैग लाइन पे आ जाएगा। यहाँ से जो ये टेंशन आएगा वो टेंशन क्या होगा, टी इक्वल्स टू हो जाएगा बायोन फोर्स माइनस वेट ऑफ द बॉडी, जो कि अपन क्या बोलेंगे, एम जी बोलेंगे। अब इस क्वेश्चन पे ये की कॉन्सेप्ट अपन अप्लाई करके देखते हैं। लेट अस सी क्वेश्चन, अपन इस पे अप्लाई करके देखते हैं। आइए यहाँ पर अपन ने इस पे अप्लाई किया तो देखिए क्या बनेगा। अपने पास इक्वेशन की कॉन्सेप्ट ये बना है कि टी बराबर बायोन फोर्स माइनस वेट ऑफ द बॉडी, ये वाला बना। अब इनको अपन सॉल्व करते हैं। टी तो अपन निकालेंगे, बायोन फोर्स क्या होगा, देखिए बायोन फोर्स के लिए आप क्या बोलेंगे, बायोन फोर्स में क्या होता है, डेंसिटी लिक्विड का कंसिडर किया जाएगा, वॉल्यूम सबमर्ज होगा वो कैलकुलेट किया जाएगा, और यहाँ पे जी आएगा। एंड एम जी को अगर अपन कन्वर्ट करें किसमें, तो ये रो आ जाएगा बॉडी का डेंसिटी, वॉल्यूम आ जाएगा इनटू इसका क्या आ जाएगा, जी। अब अपने को इसका सिग्मा और रो का रिलेशन दे रखा है, वो क्या है, एन टाइम्स ऑफ नीटा टाइम्स ऑफ रो, ये वाला रिलेशन दे रखा है। इन सारे थिंग्स को अपन यूज करेंगे इस इक्वेशन में, तो टेंशन का वैल्यू ये क्या रखा जाएगा भाई, एफ बी की जगह रखा जाएगा सिग्मा, सिग्मा वी जी माइनस रो वी जी। सिग्मा की जगह रखेंगे नीटा टाइम्स ऑफ रो वी इंटू जी माइनस रो वी इंटू जी। अब यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, यहाँ से अगर आप टेंशन का वैल्यू देखना चाहें तो आप रो वी जी को ले लेते हैं कॉमन, ये आएगा नीटा माइनस वन, ये क्या आएगा, नीटा माइनस वन आएगा, और नीटा माइनस वन आएगा, और रो वी जी को अपन क्या रख सकते हैं, रो वी जी को अपन क्या रख सकते हैं,
रो वीजी को अपन यहाँ पे एमजी पुट कर सकते हैं। तो एमजी ये अपना आ गया नीटा माइनस वन, ये अपने टेंशन का वैल्यू आ गया। अब अपन इसको फर्दर ऑप्शंस में देख लेते हैं कि अपना आंसर क्या बन रहा है, मैच कर लेते हैं ऑप्शन के अंदर। तो आंसर अपना है फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ वन इज फाइनल आंसर। सो द फाइनल आंसर इज, द फाइनल आंसर इज टेंशन इन द कोड इज नीटा माइनस वन इंटू वेट ऑफ द बॉडी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।